हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं भाई आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आमतौर पर किसी भी देश की पूरी जनसंख्या उस देश के कोने कोने में फैली होती है, लेकिन आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस देश का लगभग 80% हिस्सा आज भी खाली पड़ा है, जहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस 80% हिस्से में? आखिर क्यों इस देश की आबादी नॉर्थ में ही बसना चाहती है? क्या है इस देश के साउथ में और कौन सा है ये देश? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की, जो पैसिफिक ओशन के साउथ में ऑस्ट्रेलिया से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश न्यूजीलैंड वर्ल्ड मैप में अलग थलग सा नजर आता है। अगर आप इंडिया से फ्लाइट लेते हैं तो आपको अरेबियन सी और इंडियन ओशन पार करके पूरे 22 घंटे का सफर करना पड़ेगा, तब जाकर आप न्यूजीलैंड पहुंच पाएंगे। खूबसूरती के मामले में दोस्तों न्यूजीलैंड का कोई भी मुकाबला नहीं है। सुहाना मौसम, भरपूर बारिश, कमाल की सर्दी, पहाड़ियों पर लिपटी हरियाली और एक से बढ़कर एक माउंटेन रेंज के साथ झीलों, नदियों का प्राकृतिक संगम। न्यूजीलैंड दुनिया के उन खूबसूरत देशों में से एक है जहां जाने के बाद हर किसी को यही फील होता है कि वो मानो किसी स्वर्ग में है। यही नहीं दोस्तों, आज के टाइम में न्यूजीलैंड सबसे डेवलप्ड, वेल सेटल्ड और हाई लाइफस्टाइल वाला देश है, लेकिन इसके बाद भी न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा खाली पड़ा है। न्यूजीलैंड का एरिया 268,021 स्क्वायर किलोमीटर का है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 75वां सबसे बड़ा देश है। न्यूजीलैंड दो द्वीपों में बटा हुआ है, नॉर्दर्न न्यूजीलैंड और सदर्न न्यूजीलैंड। नॉर्दर्न न्यूजीलैंड दुनिया का 14वां सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि सदर्न न्यूजीलैंड 12वां। अगर न्यूजीलैंड की तुलना ग्रेट ब्रिटेन से करें तो दोनों ही देशों का मौसम, टेम्परेचर, वेदर, लाइफस्टाइल बिल्कुल सेम है और ग्रेट ब्रिटेन एरिया के हिसाब से न्यूजीलैंड से छोटा है, लेकिन आबादी में बहुत बड़ा अंतर है। ग्रेट ब्रिटेन की पॉपुलेशन करीब 6.89 करोड़ है, जबकि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 50 लाख है। 18 प्रति स्क्वायर किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व वाले न्यूजीलैंड में आपको 77% आबादी नॉर्दर्न हिस्से में रहती हुई नजर आ जाएगी। नॉर्दर्न में भी नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, वेकाटो और बे ऑफ प्लेंटी में टोटल आबादी का 52% हिस्सा रहता है, जबकि 23% हिस्सा पूरे साउथ में फैला हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, न्यूजीलैंड के 80% खाली पड़े एरिया और आबादी के ग्राफ को समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि न्यूजीलैंड जो एकदम अलग सा देश है, इसकी खोज किसने की? तो ये कारनामा किया था दोस्तों मौरी लोगों ने। मौरी आज से हजारों साल पहले एक जनजाति थी। रिकॉर्ड से ऐसा पता चलता है कि मौरी जनजाति ने आज से करीब 1000 साल पहले न्यूजीलैंड की खोज की थी, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि 750 एडी में कूपे नाम के एक मौरी ने न्यूजीलैंड को खोजा था। दरअसल मौरी जनजाति मछली पालन पर पूरी तरह से डिपेंड थी। कूपे एक फिशरमैन था जो अपने और अपने कबीले के लोगों के लिए मछली पकड़ा करता था। काफी टाइम तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन फिर एक परेशानी आई। हुआ कुछ ऐसा कि अब मौरी लोग जब भी मछलियां पकड़ते, उनकी मछलियों को जाल में फंसने से पहले ही वहां के ऑक्टोपस खा जाया करते थे। इसी वजह से उन्हें बहुत परेशानियां हुई। इसलिए कूपे ने डिसाइड किया कि वो किसी दूसरे आइलैंड की खोज करेंगे, जहां पर उन्हें खाने पीने का सामान मिल सके और वो शांति से अपना जीवन जी सके। इसी सोच के साथ कूपे कुछ मौरी लोगों को लेकर नाव में बैठे और एक आइलैंड की खोज में निकल पड़े। कई दिनों की खोज, तूफान से जंग और पैसिफिक ओशन में नाव से गोते लगाने के बाद आखिरकार मौरीज को एक आइलैंड नजर आया और इसी आइलैंड को आज आप न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। न्यूजीलैंड में फल, फूल, भेड़, बकरी, भरपूर मछलियाँ, खेती के लायक जमीन और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और कोई भी इंसान नहीं था, यानी मौरीज के रहने के लिए ये एक अच्छी जगह थी। बस फिर क्या था, कूपे इस आइलैंड पर उतरा और अपने बाकी साथियों को उसने वापस भेज दिया ताकि वो दूसरे मौरी लोगों को यहाँ तक ला सके। इसके बाद मौरीज यहाँ पहुँचे और अपने कबीले बसाने शुरू कर दिए। इस तरह न्यूजीलैंड पर सबसे पहले मौरीज जनजाति का कब्जा हुआ। 17वीं सदी तक तो मौरी दुनिया से दूर शांति भरा जीवन जीते रहे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन अचानक मौरी लोगों की खुशियों को नजर लग गए। दरअसल वेस्टर्न लोग अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे, वो दुनिया भर में मौजूद ऐसे छोटे बड़े आइलैंड्स की खोज में थे ताकि खुद को सबसे मजबूत बना सके। इसी सिलसिले में 1642 में एबल तस्मान नाम का एक डच न्यूजीलैंड में पहुंचा, लेकिन मौरी लोगों ने जल्द ही उसके इरादों को भांप लिया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। एबल तस्मान भी मौरीज के सामने टिक नहीं पाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद 1769 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक न्यूजीलैंड पहुंचे और मौरी लोगों के साथ मिलकर भयंकर युद्ध किया, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों, जेम्स कुक ने भागते भागते न्यूजीलैंड का पूरा मैप तैयार कर लिया था और यही मैप 18वीं सदी में यूरोपियंस के काम आया। यूरोपियंस जानते थे कि आइलैंड पर कब्जा करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए यूरोपियंस ने मौरी लोगों को व्यापार करने का झांसा दिया और वो न्यूजीलैंड में घुस गए। इसके करीब 100 साल बाद न्यूजीलैंड पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। साल 1840 में ब्रिटिशर्स और मौरी लोगों के बीच एक संधि हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ वाइटेंगी कहा जाता है। इस संधि के साथ ही न्यूजीलैंड पूरी तरह से यूरोपियन कंट्रीज का हिस्सा बन गया। संधि के वक्त मौरी लोग की पॉपुलेशन करीब 2 लाख थी, लेकिन संधि के एक साल बाद ये पॉपुलेशन करीब 40,000 रह गई। दरअसल इसका
पॉइजन था बीमारियां जो ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर आए थे। कई मौरी इन बीमारियों की वजह से मारे गए, इसलिए साल दर साल मौरी लोग की आबादी और घटती ही चली गई। मौरी लोग के कम होने की दूसरी वजह थी वॉर। दरअसल संधि के बाद से ही मौरी और ब्रिटिशर्स के बीच खूनी जंग छिड़ गई थी, जिसे मौरी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। आज का शांति प्रिय देश उन दिनों सबसे अशांत देश बन गया था। ब्रिटिशर्स और मौरी लोग के बीच भीषण वॉर शुरू हुई, जिसमें लगभग सभी मौरी चीफ मारे जा चुके थे, क्योंकि उनके पास ना तो कोई एडवांस हथियार थे और ना ही ज्यादा बड़ी सेना। ये वॉर एक या दो दिन में खत्म नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे 40 साल तक चली। साल 1881 तक मौरी के सभी बड़े चीफ मारे जा चुके थे। इधर ब्रिटिशर्स भी समझ चुके थे कि यहाँ स्टेप बनाना है तो लोकल मौरीज को साथ में लेना ही होगा। इस तरह ये वॉर शांत हुई और न्यूजीलैंड डेवलप होना शुरू हुआ, और न्यूजीलैंड समय के साथ साथ बन गया दुनिया का सबसे शांत और डेवलप्ड देश। लेकिन इसके बाद भी न्यूजीलैंड के सिर्फ 20% हिस्से पर ही आबादी का वजन है, जबकि 80% हिस्सा आज भी खाली है। तो इसका सबसे मेन रीजन मौरी लोग ही थे। असल में जब न्यूजीलैंड पर मौरी जाति का दबदबा बढ़ा तो वो पूरे नॉर्दर्न पार्ट में ही बढ़ा था, क्योंकि सर्दर्न पार्ट में माउंटेन रेंज थी और नॉर्दर्न पार्ट जीने की जरूरी चीजों से भरा हुआ था। इसलिए जब यूरोपियंस ने यहाँ डेरा डाला तो उत्तरी क्षेत्र में ही डाला। इसके अलावा सर्दर्न पार्ट की भूमि वहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं देती है। न्यूजीलैंड को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे दोस्तों कि नॉर्दर्न द्वीप पर हरियाली और समतल जमीन से भरा हुआ है, जहाँ खेती की जा सकती है, पशुपालन किया जा सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया जा सकता है, जबकि सर्दर्न पार्ट उबड़ खाबड़ रास्ते ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिस वजह से वहाँ ना तो खेती की जा सकती है और ना ही अच्छे से पशुपालन। पशुपालन हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि न्यूजीलैंड की आधे से ज्यादा जीडीपी मीट एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड है। सर्दर्न न्यूजीलैंड द्वीप से दूरी बनाने का एक और कारण है भूकंप। दरअसल न्यूजीलैंड के क्षेत्र के नीचे ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और पैसिफिक प्लेट्स हैं। कई मिलियन सालों से पैसिफिक प्लेट लगातार ऑस्ट्रेलियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, जिस वजह से दोनों प्लेट्स आपस में टकराती है और पर्वतों का निर्माण होता है। इन प्लेट्स के टकराने की वजह से सर्दर्न न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक न्यूजीलैंड के इस भाग में हर साल करीब 20,000 भूकंप आते हैं, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप वाला पार्ट है न्यूजीलैंड का सर्दर्न पार्ट। अब जाहिर सी बात है कि ऊंची चोटी और भूकंप का जब संगम होगा तो पहाड़ भाई कब सरक जाए ये कोई नहीं जानता, तो वहाँ के लोग क्यों ही रहना पसंद करेंगे वहाँ। ऊपर से यहाँ खेती लायक जमीन भी नहीं है। खेती लायक जमीन न होने का मेजर रीजन पहाड़ों के अलावा है बारिश। कहने को तो न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जिस वजह से एग्रीकल्चर के मामले में न्यूजीलैंड भारत, पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को भी पीछे छोड़ देता है। लेकिन ये मामला सिर्फ उत्तरी न्यूजीलैंड तक है। दक्षिणी न्यूजीलैंड के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पश्चिम से आने वाली हवाओं को ऊंची ऊंची चोटियां यहां पहुंचने ही नहीं देती, जिस वजह से इस क्षेत्र में बारिश सबसे कम होती है और न्यूजीलैंड का ये भाग बंजर रह जाता है। यही वजह है कि यहां खेती करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और न्यूजीलैंड के जीडीपी डिपेंड ही एग्रीकल्चर पर है। तो ऐसे में इस पार्ट में बसना मतलब भूखे मरने जैसा है। न्यूजीलैंड के 80% भाग को अलग थलग बनाने के पीछे टेम्परेचर भी जिम्मेदार है। दक्षिणी न्यूजीलैंड को देखें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, जबकि उत्तरी न्यूजीलैंड भूमध्य रेखा के नॉर्थ में बसा हुआ है, जिस वजह से उत्तरी भाग में मौसम सुहाना रहता है, यानी समय पर गर्मी, समय पर सर्दी और समय पर बारिश, जबकि दक्षिणी भाग का हाल बिल्कुल उल्टा है। दक्षिणी गोलार्ध में आने की वजह से यहां सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, जिस वजह से भी यहां कोई बसना नहीं चाहता। न्यूजीलैंड का दोस्तों एक और मेन सोर्स ऑफ इनकम है पशुपालन। 50 लाख के करीब आबादी वाले इस देश में 3 करोड़ के लगभग भेड़, बकरियां और गाय मौजूद है। यही वजह है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भी न्यूजीलैंड काफी आगे है। डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े कारखाने और फार्म्स वगैरह भी नॉर्दर्न पार्ट में ही है, इसलिए लोकल हो या बाहर के देशों से आने वाले लोग सभी नॉर्दर्न पार्ट में ही बसना पसंद करते हैं। वहीं बड़ी बड़ी कंपनीज के सेटअप, बैंकिंग सेक्टर और मार्केट वगैरह भी नॉर्दर्न पार्ट में ही देखने को मिलते हैं, जबकि सर्दर्न पार्ट में जाएंगे तो पाएंगे कि वहां से जरूरत का सामान लाने के लिए आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर लंबा सफर तय करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी में फंस जाए तब तो भैया सबसे ज्यादा परेशानी है। चलिए अब जानते हैं कि न्यूजीलैंड की आबादी इतनी कम क्यों है। देखिए बात यह है कि एक समय पर न्यूजीलैंड में अश्वेत लोगों का आना बिल्कुल मना था, जिस वजह से न्यूजीलैंड की आबादी माओरी लंबे समय तक बेहद कम रही। लेकिन देश को बेहतर बनाने के लिए, विकास करने के लिए लोगों की जरूरत थी, इसलिए वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूजीलैंड में माइग्रेशन पॉलिसी को लाया गया, जिसके तहत दूसरे देशों से अश्वेत, श्वेत सभी को न्यूजीलैंड में आने की परमिशन मिली, और धीरे धीरे चाइना, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों से लोग न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ने लगे और वहां पर बसना शुरू कर दिया। ये तो आप जानते ही होंगे कि जब लोग किसी देश में जाते हैं तो वो उन्हीं जगहों पर बसना शुरू करते हैं जहां पहले से लोग रह रहे हों, या जहां व्यापार, जॉब करने के साधन हो, या फिर जहां रहने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से जो बाहर से लोग आए वो भी नॉर्दर्न आइलैंड में ही बस गए। इस तरह दोस्तों सर्दर्न पार्ट फिर भी खाली रह गया। आज न्यूजीलैंड के उत्तरी भाग में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, जबकि सर्दर्न पार्ट में जमीन कौड़ियों के भाव बिक रही है, बट फिर भी वहां कोई जमीन खरीदने को तैयार नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि न्यूजीलैंड का सर्दर्न पार्ट पूरी तरह से खाली क्यों पड़ा है। वैसे अगर आपको मौका मिले तो क्या वहां पे जाके बसना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आने वाली
वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।